दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों उम्मीद है आपने वित्त वर्ष 2021-2022 या आकलन वर्ष 2022-2023 के लिए ITR भर दिया होगा, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। ITR का सत्यापन भी कराना जरूरी है। ITR के सत्यापन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, तो ये बदलाव क्या है और ITR सत्यापन नहीं कराने पर क्या नुकसान होगा, ITR सत्यापन कैसे करा सकते हैं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स विभाग ने ITR सत्यापन की अवधि में 75% की कटौती कर टैक्स पेयर को बड़ा झटका दिया है। दरअसल विभाग ने ITR सत्यापन या वेरिफिकेशन की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, यानी अब 30 दिनों के भीतर ITR सत्यापन कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ITR अमान्य माना जाएगा, मतलब कि आपने ITR भरा ही नहीं है, आयकर विभाग ऐसा मानकर चलेगा। तो नया बदलाव 1 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर 31 जुलाई तक आपने ITR भरा है तो आपको ITR सत्यापन के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा, लेकिन अगर आपने 31 जुलाई के बाद भरा है तो सत्यापन के लिए आपको 30 दिनों का समय मिलेगा। टैक्स पेयर्स को यह बात ध्यान रखनी होगी कि जिस तारीख को आपने अपना ITR दाखिल किया है, विभाग उसी दिन से इस सत्यापन के लिए भी 30 दिन की गणना करेगा। अगर आप पोस्ट के जरिए ITR फाइल भेज रहे हैं तो भी 30 दिन की अवधि ITR भरने के दिन से जोड़ी जाएगी। करदाता अपना रिटर्न भरकर आयकर विभाग को संबंधित वित्त वर्ष में हुई आमदनी और उस पर बने टैक्स या भरे गए टैक्स की जानकारी देता है। सवाल है कि ITR को वेरीफाई यानी सत्यापन कैसे करेंगे। तो ITR को वेरीफाई करने के विभाग ने दो मुख्य विकल्प दिए हैं। पहला तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही वेरीफाई कर सकते हैं। यह काम बैंक खाते, डीमैट अकाउंट या आधार पैन के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट के ई वेरीफाई रिटर्न पेज पर जाना होगा। और दूसरा विकल्प है डाक के जरिए ITR फाइल को बंगलुरु स्थित इनकम टैक्स विभाग के मुख्यालय पर भेजना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग ने दोनों ही तरीकों से सत्यापन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया है। अगर आपको डाक से ITR फाइल भेजना है तो भी इसे 30 दिन के अंदर तय पते पर पहुंचाना होगा, और वह पता है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPC, इनकम टैक्स विभाग, बंगलुरु 560500 कर्नाटक। तो इस पते पर आपको भेजना होगा। आप सोच रहे हो कि ITR वेरीफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इसके जवाब में इनकम टैक्स विभाग ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। तो ITR भर देने से ही इसे पूरा नहीं मान लेना चाहिए। जब तक आप अपने आयकर रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते हैं या वेरीफाई नहीं करते हैं तो वह अधूरा माना जाता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि आपने तय समय में अपना रिटर्न वेरीफाई नहीं कराया तो यह इनवैलिड यानी बेकार हो जाएगा और इसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा। अगर आपने समय बीतने के बाद ITR का ई वेरिफिकेशन कराया या ITR फाइल की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में भेजी तो इसे लेट या ड्यू डेट के बाद का माना जाएगा और विभाग ऐसे ई सत्यापन को खारिज कर सकता है। ITR सत्यापन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब इनकम टैक्स विभाग ने दिए हैं, जिसके बारे में लोग बार बार पूछते हैं। तो पहला सवाल है कि आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मुझे ई सत्यापन करने की जरूरत क्यों है या ITR सत्यापन करने की जरूरत क्यों है। तो उसके जवाब में इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि विवरणी फाइलिंग प्रक्रिया को, विवरणी मतलब रिटर्न, विवरणी फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपनी आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न को सत्यापित करने की जरूरत है। निर्धारित समय के अंदर सत्यापन नहीं होने पर ITR को अमान्य माना जाता है। ई सत्यापन आपके ITR को सत्यापित करने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका है। ये जवाब दिया है इनकम टैक्स विभाग ने। दूसरा सवाल आपके मन में उठेगा कि आयकर रिटर्न को ई सत्यापित करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो आप अपनी विवरणी को ऑनलाइन ई सत्यापित कर सकते हैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए, या फिर आपके पूर्व मान्य बैंक खाते के माध्यम से जनरेट किया गया EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए, या फिर आपके पूर्व मान्य डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए,
या फिर एटीएम के माध्यम से ईवीसी, एटीएम ऑफलाइन विधि के जरिए, या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के जरिए। यह काम आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट की ई वेरीफाई रिटर्न पेज पर जाकर करना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि ई वेरीफाई सेवा ई फाइलिंग वेबसाइट के साथ पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों तरह के लोगों के लिए उपलब्ध है। तीसरा सवाल उठता है कि ईवीसी क्या है। तो ईवीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसे ई सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान ई फाइलिंग पोर्टल के साथ आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। इसकी वैधता जनरेट किए जाने के 72 घंटे तक होती है। चौथा सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ई सत्यापन पूरा हो गया है। तो इसके जवाब में इनकम टैक्स विभाग का कहना है, पहला कि यदि आप अपनी विवरणी को ई सत्यापित कर रहे हैं तो आपको एक सफलता संदेश लेनदेन आईडी के साथ दिखाया जाएगा। ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मेल आईडी पर एक ईमेल भेजा जाएगा। और दूसरा तरीका है कि यदि आप एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या प्रतिनिधि निर्धारिती हैं तो आपको एक सफलता संदेश यानी लेनदेन आईडी के साथ दिखाया जाएगा। सफल सत्यापन के बाद एक ईमेल पुष्टि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या प्रतिनिधि निर्धारिती और निर्धारिती दोनों की ही ई फाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत प्राथमिक ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। पांचवा सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या ई सत्यापन में विलंब से कोई जुर्माना लगेगा। तो इसके जवाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यदि आप समय पर सत्यापित नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने विवरणी फाइल नहीं की है और इसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत आईटीआर फाइल न करने के सभी परिणाम लागू होंगे। हालांकि आप उचित कारण देकर सत्यापन में विलंब के लिए क्षमा का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध को प्रस्तुत करने के बाद ही आप अपनी विवरणी को ई सत्यापित कर पाएंगे। हालांकि विवरणी को सक्षम आयकर प्राधिकारी द्वारा क्षमा के अनुरोध को मंजूर दिए जाने के बाद ही वैध माना जाएगा। तो ये रही बहुत ही जरूरी खबर आईटीआर भर देने वालों के लिए कि उसको सत्यापित करने के लिए अब 120 दिन के बदले 30 दिन ही मिलेंगे। तो बी योर मनी मैनेजर में इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।